नाइजीरिया के लागोस में एक भयानक हादसा हुआ है। बता दें कि इस हादसे में 9 लोगों की जान चली गई है। वहीं बीच सड़क पर 53 गाड़ियां धू धू कर जल उठी। ये तस्वीर पहले देखिए, बता दें 53 गाड़ियां धू धू कर जल उठी, तो वहीं 53 लोग भी इस दौरान झुलस गए हैं। बेहद ही दर्दनाक ये हादसा है, जो कि हाईवे पर जा रहे पेट्रोल टैंकर में आग लगने की वजह से हुआ। ये भी बताते चले कि नाइजीरिया की व्यापारिक राजधानी लागोस में पेट्रोल लेकर जा रहा एक टैंकर अचानक से जल उठा। बताया जा रहा है इसमें धमाका हुआ था और धमाके के बाद आग लग गई। धमाका इतना ज़बरदस्त था कि इसकी आवाज़ दूर तक सुनाई दी जा सकती थी। आग के कारण चारों ओर धुएं का गुबार छा गया। कई किलोमीटर दूर से ही धुएं का ये गुबार दिखाई दे रहा था। धमाके के बाद उठते धुएं के गुबार से अंदाजा लगाया जा सकता है कि धमाका आखिर कितना भयानक था। पेट्रोल टैंकर में हुए इस धमाके और आग लगने के कारण आसपास से गुजर रही कई गाड़ियां भी आग की चपेट में आ गई और देखते ही देखते 53 गाड़ियां आग की चपेट में आ गई। टैंकर में धमाके के कारण पूरा पेट्रोल सड़क पर बिखर गया और आग तेजी से फैल गई। आग की चपेट में आने से 9 लोगों की मौत हो गई, जबकि 53 लोग गंभीर रूप से झुलस गए। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर हाईवे को दोनों तरफ से बंद कर दिया और उसके बाद आग पर काबू पाने की कवायद शुरू हुई। घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। ये तस्वीर जरा देखिए, सड़क पर मौत की आग किस तरह से बरसी है। पेट्रोल टैंकर में जोरदार धमाका हुआ, इससे आसपास की गाड़ियां भी आग की चपेट में आ गई। Sorry,